हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेल्ट बटन वाली पैजामे की कटिंग। कुछ दोस्तों ने हमें कमेंट किया था कि हमको बेल्ट वाली बटन वाली पैजामे की कटिंग बताएं, तो सो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे और सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि बेल्ट पैजामे के लिए आपको 2.5 मीटर कपड़े चाहिए। अगर फुल साइज़ का आप बेल्ट पैजामा बना रहे हैं तो 2.5 मीटर कपड़े चाहिए आपको। तो हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है, आप देख सकते हैं दोनों किनारे हमने अपने पल अपने साइड में किया हुआ है और इस तरह से हमने इसको घड़ी किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी साइज़ बता दें आपको। इसकी लंबाई जो है 39 है, इसका हिप जो है 36 इंच है और इसका कमर जो है वो 32 इंच है और इसका जो घुटना है वो 18 इंच है और इसका जांघ जो है 22 इंची है यानी थाई और इसका जो मोहड़ी है वो 18 इंच है। तो इसी साइज़ से हम इसको कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर यहाँ एक लाइन खींचेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ हमने इस तरह से लाइन खींचा, हमने दो लाइन खींचा, इसमें हमने 1/2 इंच का गैप रखा हुआ है। तो इसमें आपको मालूम होगा कि इसमें बेल्ट बटन वाले पैजामे में 2 प्लेट भी सामने लगाए जाते हैं। तो अब यहाँ से हमको लंबाई लेना है, हमको 1.5 इंची ऊपर प्लस रखना है। तो अब हम यहाँ से 1.5 इंची ऊपर लेंगे क्योंकि ये बेल्ट के लिए हमने ऊपर निकाल दिया हुआ है 1/2 इंची सिलाई के लिए। अब यहाँ से हम लंबाई नापेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ से 39 इंची लंबाई नाप लिया हमने यहाँ, और नीचे हम यहाँ 2 इंच फोल्ड के लिए लगाएंगे मोहरी के लिए। और इसका जो आसन वाला भाग है, जैसा कि आपको हम बता दें, इसका जो हिप है 36 इंच है तो उसका चौथा भाग 9 इंची आएगा। तो 9 इंच पे लगाएंगे। अगर आपको ज़्यादा लूजिंग चाहिए तो 9.5 इंच पे लगाएं। तो हम यहाँ 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम यहाँ तक जो हमारा ये भाग है इसका हम आधा करेंगे। जैसा यहाँ की 28 इंच आ रहा है तो इसका हाफ होता है 14 इंच। तो यहाँ से हम 2 इंच ऊपर निशान लगाएंगे, 1 इंच एक निशान लगाएंगे और सीधे स्केल से हम यहाँ लाइन खींचेंगे इस तरह से। और यहाँ भी एक लाइन खींचेंगे और प्लस हम यहाँ मोहरी के भी लाइन खींचेंगे 2 इंच पर। तो ये हमारी 4 लाइनें हो गई। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ आपको हम दिखा दें कि यहाँ जो किनारी है किनारी छोड़ करके हमको साइज निकालना है। तो कमर हमने 32 इंची आपको बताया, तो इसका चौथा भाग होता है 8 इंची। तो हम यहाँ 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि 1/2 इंची सिलाई के लिए। और इसमें प्लस हम प्लेट के लिए 2 इंच निकालेंगे, तो हम यहाँ 2 इंच पर निशान लगा देते हैं। और इसका हिप जो है वो 36 इंच है तो उसका चौथा भाग 9 इंची आएगा। तो हम यहाँ 9 पर निशान लगाया, प्लस हम यहाँ 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। और इसके बाद हम यहाँ 1/4 इंच फ्लाई के लिए निशान लगाएंगे, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हमको यहाँ तक जो किनारी छोड़कर हमने जो निशान लगाए हुए वो 12 इंच आ रहा है, तो इसका हम यहाँ भाग 6 इंच करेंगे। तो यहाँ से हम किनारी तक देखेंगे 7 इंच आ रहा है, तो यहाँ भी हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ मोहरी के भी हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे, ये हमारा सेंटर का निशान हो जाएगा। मोहरी 18 इंच है तो हम यहाँ 9 इंच पर निशान लगा, 4.5 यानी 9 इंच पर मोहड़ी का 1/2 इंच 9 इंच पर निशान लगाएंगे 9 इंच पर। और इसका जो जांघ है हमने बताया आपको 20 इंच, तो यहाँ हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम लेंगे 10 इंच पर क्योंकि इसका हाफ रहेगा। तो अब यहाँ से हम सीधे स्केल से लाइन खींचेंगे इस तरह से, यहाँ भी लाइन खींचेंगे और थोड़ा सा मोहड़ी के लिए हम थोड़ा सा क्रॉस भाग करेंगे। अब आप देख सकते हैं अब यहाँ हमको लाइन खींचना है जो हमने निशान लगाया हुआ है इस तरह से। और यहाँ हमको आसन का निशान लगाना है जो हमको बेल्ट बटन लगाना है। यहाँ आप फ्लाई लगा सकते हैं। अब हमने हमको स्केल से राउंड वाले स्केल से लाइन लगाना है। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका स्केल जो है राउंड वाला स्केल होना चाहिए और ये जो लाइन है इसका भाग यहाँ से मिलना चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ से बराबर मिल रहा है।
तो हमने इस तरह से निशान लगाया, आप देखते हैं यहाँ से लाइन मिल रहा है और इसको हम इस साइड करेंगे। अगर आप स्केल इस तरह लगाते हैं तो ये भी स्केल बाहरी साइड में लगता है इस तरह से। तो ऐसा हमने निशान लगाया और यहाँ हम सीधा यहाँ लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने पूरा मार्जिन कर दिया है। अब यहाँ से हम पॉकेट के लिए इसमें साइड पॉकेट बेल्ट बटन वाले पैजामे में साइड पॉकेट भी लगता है। यहाँ से हम निशान से 2 इंच निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 6 इंच निशान लगाएंगे। ये हमारा पॉकेट का निशान हो गया। साइड पॉकेट का हमने वीडियो बना कर रखा हुआ है, आप चैनल पे अपने आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। अगर आपको कोई कमेंट है तो हम इसका भी स्टिचिंग भी आपको बता देंगे। तो चलिए इसको हम अब कटिंग कर देते हैं। अब इसको कटिंग कर लेंगे तो फिर हम आपको बैक साइड कैसे कटिंग होता है वो दिखाएंगे आपको। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको फ्रंट को कटिंग कर लिया है। और दूसरी बात ये कि हम आपको प्लेट का निशान लगा दें। आपने देखा जो हमने सेंटर का निशान लगाया है उसी सेंटर पे आप यहाँ निशान लगा सकते हैं प्लेट के लिए। पहला प्लेट हो गया और यहाँ से 2 इंच छोड़ करके हम दूसरा प्लेट लगाएंगे। और ये दूसरा जो प्लेट है प्लेट होता है वो थोड़ा छोटा प्लेट होता है, पहला वाला ज़्यादा होता है लंबा, दूसरा प्लेट साइड में छोटा होता है। तो हमने फ्रंट की कटिंग कर ली है, अब हमको बैक को कटिंग करना है। तो बैक के लिए आपको कपड़ा इसी तरह से बिछाना है इस तरह से, और इसके ऊपर आप फ्रंट को रख सकते हैं। अभी जो कटिंग वाला भाग है हमारी तरफ है में इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया हुआ है और इसको हमने इसके ऊपर इस बिछा लिया है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं हमने इस तरह से बिछा लिया हुआ है। आप यहाँ पूरा नीचे तक ले जाएं, बाकी कपड़ा ऊपर छोड़ दें। अब हमको क्या करना है, यहाँ आप देख सकते हैं हमको यहाँ एक लाइन खींचना है, ये जो हमारा आसन वाला निशान है, और यहाँ भी जो जहाँ हमने घुटने का निशान लगाया यहाँ भी लाइन खींचना है आपको। और दूसरी बात ये यहाँ हमको 1.5 इंच यहाँ खींचना है लाइन, यहाँ निशान लगाना है और यहाँ से हमको ये लाइन से सीधा हमको क्रॉस भाग खींचना है इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब यहाँ हमको क्या करना है कि हमको कमर का भाग निशान निकाल लेना है। कमर हमारा 32 इंच है, इसको हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे 1/2 इंच सिलाई के लिए। और यहाँ बैक साइड में जो प्लेट एक डॉट लगता है, आप चाहें तो 1 डॉट लगा सकते हैं, 2 डॉट लगा सकते हैं। तो हमको यहाँ 7 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं और बैक साइड में हम यहाँ 2.5 इंची एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। 2.5 इंची से 3 इंची आप छोड़ सकते हैं, प्लेट वाले में 2.5 इंची या 3 इंची छोड़ सकते हैं। अगर ज़्यादा लूजिंग चाहिए तो आप 3 इंची यहाँ से छोड़ सकते हैं। और यहाँ हमको 1.25 इंच छोड़ना है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ भी हमने एक लाइन खींचा इस तरह से और यहाँ हम 1.5 इंची छोड़ेंगे क्योंकि बैक साइड हमेशा बड़ा होता है। अब यहाँ से हम इसको एक लाइन खींचेंगे सीधी लाइन और फिर हम यहाँ से राउंड वाले स्केल से इसको मिलाएंगे इस तरह से और यहाँ से इस लाइन इस तरह से खींच देंगे। अब दूसरी बात आप देख लीजिए, यहाँ आपको हिप का नाप लेना है, ये जो भाग है यहाँ आधा हिप में आएगा। तो हिप जैसा कि 36 इंच है तो 9.5 इंच पर हमने निशान लगाया और यहाँ से फिर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे लूजिंग के लिए क्योंकि हमने यहाँ 7 इंची रखा था, यहाँ हिप के लिए हम 1.5 इंची लगाएंगे। अब यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे यहाँ इस तरह से और आसन का भाग हम इस तरह से राउंड करेंगे ऐसे। तो अब ये हमारा पूरा बैक साइड का निशान हो गया। अब इसको हम कटिंग कर देंगे। बैक साइड में हमेशा मार्जिन लेके कटिंग करना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। तो हमने इस तरह से इसको कटिंग किया यहाँ भी आपको मार्जिन लेके कटिंग करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको कटिंग कर दिया है, अभी इस साइड से भी हम कटिंग कर देंगे इस साइड में भी। तो अब हम यहाँ डॉट का निशान लगाएंगे, यहाँ 3 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ से
जैसे कि अगर आपको पॉकेट बैक साइड में से बेल्ट वाले पैजामे, बेल्ट बटन वाले पैजामे में बैक पॉकेट नहीं लगाया जाता है, तो अगर आपको बैक पॉकेट लगाना है तो अभी आप लगा सकते हैं। यहाँ से 2.25 इंच पर छोड़ेंगे निशान, यहाँ से 5 इंच पर निशान लगाना है और इसके सेंटर में एक निशान लगा देना है डार्ट के लिए। तो आप चाहें तो यहाँ डबल डार्ट लगा सकते हैं, नहीं तो सिंगल ही डॉट लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप बेल्ट बटन वाली पैजामे की कटिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए हम आपको रिप्लाई ज़रूर बताएंगे। तो अगर आपको पॉकेट की जानकारी कटिंग करने नहीं आता है तो भी हम बता देते हैं इस वीडियो में। तो हमने बैक फ्रंट को कटिंग कर दी, आप देखा है आपने। जैसा कि अगर आपको पॉकेट की कटिंग करना है तो आपकी पॉकेट की लंबाई 14 इंच रखें, 13 से 14 इंच रखें, और यहाँ चौड़ाई जैसा कि कमर 32 इंच है तो उसका 6.5 इंच आप रख सकते हैं, क्योंकि उससे छोटा थोड़ा पॉकेट रहना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको पॉकेट को भी कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से हम हल्का से इसको शेप दे देंगे इस तरह से। तो ये हमारा पॉकेट हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज बेल्ट बटन की पैजामे की कटिंग। तो आपने इस आपको कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।